नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं सुषमा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ सुषमा शिशपाल ब्लॉग पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और बच्चे स्कूल जाएंगे, इसलिए मैं बना रही थी नाश्ता। तो आज नाश्ते में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो क्योंकि मैं रात को डिसाइड करके नहीं सोई थी कि मुझे क्या बनाना है, तो फिर मैंने सुबह उठ के सोचा कि चलो भिंडी बना देती हूँ, क्योंकि बैंगन का भरता बनाऊँगी तो उसके लिए भी प्याज चाहिए, अरबी बनाऊंगी तो उसके लिए भी प्याज चाहिए। तो प्याज है ही नहीं घर में, एक भिंडी ही थी ऐसी जो मैं बिना प्याज के बना सकती थी। तो मैंने कहा चलो भिंडी ही बना देते हैं। दरअसल हुआ क्या, प्याज ख़त्म हो गई और कल सब्जी वाले आए गली में, तो मैंने उनसे पूछा प्याज है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं प्याज नहीं है। अभी मैंने इनको बोला तो है कि हाँ प्याज लेकर के आना, लेकिन अभी तो सुबह के 6 बजे रखे हैं और इतने बजे कोई भी सब्जी वाला खड़ा नहीं होता है, इसलिए तो मैंने कहा चलो भिंडी बना देते हैं। और बच्चों को भिंडी अच्छी भी लगती है, इसलिए तो अभी क्योंकि सोना तो लेके नहीं जाएगी स्कूल ना, लेकिन नैना लेकर के जाएगी और खाकर भी जाएगी, तो मुझे उसी के लिए देखना पड़ता है। सोना को तो अभी ना स्कूल से मिल जाता है खाना ना, अभी तो उसकी ये वाली क्लास है, इसमें उसको लंच स्कूल से ही मिलेगा। बीच में तो मैं उसको बना के दे देती थी, क्योंकि बीच में ऐसे बोल देती हूँ ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे लगता था कि शायद स्कूल का खाना खा रही है इसलिए इसको दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब वो होता है ना, बच्चा जब देखता है ना दूसरे को खाते हुए, सिर्फ साथ के सब बच्चे खाते होंगे तो वो फिर स्कूल का खा लेती है, इसलिए कितनी बार देती है तो नहीं खा करके आती, बोलती कि नहीं मैंने तो स्कूल में ही खा लिया था, स्कूल में ये मिला था वो मिला था इसलिए। और पता नहीं उसको कहती मैम ने बोला है कि ना चिप्स लेके आया करो। मैंने कहा तेरी मैम को मैं बोल के आऊँगी, मैम आप क्यों बोल रहे हो चिप्स लेके आया करो। दरअसल क्या ना, सब बच्चे लेकर के आते होंगे चिप्स वगैरह ना, तो उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी ना मेरे को रोज़ चिप्स दिया करो। तो मैंने कहा बेटा रोज़ तो मैं चिप्स बिल्कुल भी नहीं दूंगी, कभी कभार होता है कि हाँ चलो बच्चे का दिल कर रहा है ले जाओ, लेकिन तुम रोज़ ही सोचो कि मैं तुम्हें रोज़ कुरकुरे चिप्स वगैरह दूँ तो वो तो मैं नहीं दूंगी। हाँ तुझे कुछ और लेके जाना, कोई फ्रूट लेके जाना है या परोठा बनवाना है, मैं जो भी मुझसे कहेगी मैं वो बना दूंगी, लेकिन मैं रोज़ की चिप्स नहीं दे सकती हूँ। तो मैं इस बार जब जाऊंगी ना उसकी पीटीएम में, तो मैम से बोल के आऊंगी कि मैम आप इसको इस तरीके से मत बोलना कि चिप्स लेकर के आओ, क्योंकि बच्चों को पता है क्या होता है, जो मैम कह देती है ना वो उनको ज़्यादा ठीक लगता है कि हाँ मैम ने बोला है तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो जैसे कितनी बार होता है ना, मैं इसको अभी उसको क्या हो गया, मैं इसको मैक्रोनी देती हूँ खाने के लिए ना बना करके, तो बोलेगी मैं नहीं खाती हूँ मैक्रोनी ना, मैं हेल्दी फूड खाती हूँ और चिप्स दे दो खाने के लिए। मैं कहूँ वो हेल्दी फूड होता है। तो ये देखिए भिंडी बन गई है, तो भिंडी बन तो जल्दी जाती है, लेकिन जितना टाइम इसे काटने में लगता है ना उससे कम समय में भिंडी बन जाती है, क्योंकि भिंडी को काटने में ज़्यादा देर लगती है। और फिर क्योंकि मैंने रात को डिसाइड भी नहीं किया था ना कि क्या बनाना है, सुबह उठ के ही सोचा कि चलो भिंडी बना देती हूँ, तो फिर मैंने सुबह भिंडी को धोया भी और काटा भी, इसलिए क्योंकि देखो तुरंत तो नहीं काट सकते, पहले उसको धोएंगे तो फिर थोड़ा सुखाना पड़ता है उसको ना, सारा पानी अच्छे से निकल जाए तो फिर चिपचिपी से जाती है, इसलिए। तो यहाँ मैं बनाऊंगी परोठा, क्योंकि भिंडी के साथ ना परोठा ही अच्छा लगता है। वैसे तो नैना को ना रोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन भिंडी हुई या फिर मैं उसको अगर कढ़ी दूँ तो उसके साथ ही परोठा दे दूँ तो वो खा लेती है, अगर मैं उसको सिंपल परोठा दूँ ना तो कम पसंद करती है। होता है ना जैसे कि हम उसको नमक का परोठा बना के दे दें तो उसको पसंद ही नहीं आता, वो कहेगी नहीं मुझे नमक का परोठा मत देना बना करके। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नैना के लिए ही बनाऊंगी अभी, क्योंकि अभी तो 6 बज रहे हैं, अभी मैं उसको बस बना के दे दूंगी, वो तैयार हो रही है, तो जब तक वो तैयार होएगी और जाएगी उसके बाद फिर मैं सोना को उठाऊंगी, फिर सोना के लिए बनाऊंगी, और जब उसके पापा जाएंगे ऑफिस तब मैं उनके लिए बनाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा देर से जाएंगे इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे सोना, नैना तैयार हो चुकी थी और अपना सामान ढूंढ रही थी उसको क्या लेके जाना है क्या नहीं, तो वहाँ वो नाश्ता रखा था सोना नैना का, और यहाँ मैं सोना को खिला रही हूँ जो अपने से नहीं खाती है, और ये मना कर रही थी, कह रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी बस मेरा हो गया। तो मैंने कहा बेटा कम से कम आधा परोठा तो खा ले, आधा परोठा खाएगी तो कुछ रहेगा पेट में, है ना, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट जाएगी फिर वैन के अंदर जाएगी, तो मैंने कहा ऐसा ना खाली पेट से गैस बन जाए और फिर उल्टी वगैरह कर दे, इसलिए। तो आज ये घर पर है अभी, क्योंकि थोड़ा देर से जाएंगे इसलिए, मतलब ये जाएंगे सोना के जाने के बाद, तो आज इनका नंबर है इसको छोड़ के आने का, तो ये छोड़ने गए हैं सोना को। और अभी हैप्पी को उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाई कि हैप्पी आ जा, तो हैप्पी की थोड़ी ना कहते शायद ना सुनने की शक्ति भी थोड़ी कम हो गई है, तो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है उसके साथ ना। तो ये देखिए हैप्पी गया है घूमने के लिए, और ये देखिए घूम कर वापस भी आ गया है, तो थोड़ा बुजुर्ग हो गया ये भी ना, थोड़ा धीरे धीरे आता है चढ़ करके जीना। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मैं नहा चुकी थी और फिर नहाने के बाद भूख लग जाती है, तो मैं इनसे बातें कर रही थी, न्यूज़ देख रहे थे, मैं पूछ रही थी इनसे न्यूज़ के बारे में,
तो ये भी बैठे हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। अभी इनका स्टाफ आएगा तो फिर ये उनके साथ ऑफिस चले जाएंगे। अब ये भी ऑफिस चले गए हैं, अब मैं करूँगी अपने घर के बाकी काम, यानी कि नाश्ता तो हो ही चुका है और बस अब तो खाली किचन संभालनी है और झाड़ू पोछा करना है। कपड़े तो मैं शाम को ही धोती हूँ क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो फिर मुझे उनकी ना स्कूल यूनिफॉर्म भी धोनी होती है ना, इसलिए तो आज मैंने सोचा है कि पहले यहाँ पे से कमरा संभाल देती हूँ और जब तक मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती तब तक यहाँ का काम करती हूँ, और जैसे ही वो आ जाएंगी तो फिर मैं उनके साथ ना ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कराऊंगी। क्योंकि आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ना अगर हम हाउस हेल्पर के साथ काम कराते हैं मिल करके तो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, और अगर हम उनके साथ मिलके काम नहीं कराते तो फिर वो अपने हिसाब से काम करती हैं, और अपने हिसाब का काम आप समझ सकते हैं कि किसी दूसरे के घर में अपने हिसाब से इंसान कैसे काम करता है ना। बेशक वो उनकी ड्यूटी है लेकिन वो फिर ऐसे ही होता है कि भैया जो नहीं देख रहा तो नहीं देख रहा, फिर तो अपने हिसाब से कर दो। इसलिए तो बस अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगी तो फिर मैंने सोचा कि चलो कमरा तो मैंने ठीक कर ही दिया है, अगर वो थोड़ा और देर से आती तो मैं यहाँ का झाड़ू पोछा भी कर देती, लेकिन उनके भी आने का टाइम हो रखा था। तो ये देखिए अब वो आ चुकी हैं तो मैं भी ऊपर आ गई उनके साथ ही। तो मैंने कहा ऐसा है ना कि जब तक वो कमरा करेंगी झाड़ू वगैरह लगाएंगी तो तब तक मैं डस्टिंग कर दूँगी सारी, नहीं तो फिर उनके जाने के बाद करूँगी तो फिर मुझे ना खुद से करनी पड़ेगी दोबारा से झाड़ू ना। पोछा तो खैर मैं नहीं लगाती लेकिन हाँ कि जो कुछ गिर गिर जाता जैसे पलंग पे जो भी कुछ होता चद्दर वगैरह झाड़ने में तो फिर मैं उसको खुद से फिर झाड़ू लगाती। इसलिए तो आज मैं यहाँ की सारी बेडशीट भी चेंज करूँगी, दोनों पलंग की, इस वाले पलंग की भी और जो मेरा अंदर वाला बेडरूम है उस वाले पलंग की भी चादर चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर ये पक्षी रखे हुए ना इनकी वजह से थोड़ा जल्दी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि जो इनके खाने का होता है, इनके पंख होते हैं, ये सब ना ऐसे उड़ते रहते हैं ना तो वो हर जगह चिपक जाते हैं एक तरीके से ना, मैं चादर पे भी और यहाँ पे क्या होता है ना ये सोना ना इस पलंग के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसने ये पूरा जो इसके होते हैं ना कब्जे लगे हुए हैं इसके अंदर पूरे इसने से हिला रखे हैं, ये पलंग ऐसे पीछे को हो जाता है और वहाँ पे हो जाता है गैप, तो कितनी बार तो बच्चे ने अपनी चीज़ें भी गिरा देते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी इरेजर फंसी हुई है वो मेरे से निकली ही नहीं, लेकिन ये कि हाँ जो पक्षियों के पंख थे ना वो मैंने झाड़ू से निकाल दिए इस तरीके से। और मेरे से इतना रोज़ रोज़ ऊपर आके सफाई होती नहीं है मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि नीचे का काम हो जाता है फिर मुझे भी लगता है कि हाँ थोड़ी थकान हो गई है तो फिर मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, लेकिन ये कि हाँ अगर मैं आकर के इनके साथ इस तरीके से काम कराऊँ तो फिर इतने अच्छे से सफाई हो जाती है ना, बहुत ही अच्छे से। आज मैं आपको दिखाऊंगी देखना कितने अच्छे से पूरा घर साफ हुआ है ना, बहुत ही अच्छे से। वही होता है जब हम किसी के सर पर खड़े रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से काम होता है। इसलिए तो बस मैंने चादर तो चेंज कर ही दी है और बाकी जो चादरें हैं वो मैं अंदर वाले कमरे की चेंज करूँगी। और यहाँ पर एडिटिंग करते करते ही आ गया नारियल वाला, तो उसने बेल बजा दी और बोल रहे हैं नारियल, क्योंकि वो आगे बेल बजाता है क्योंकि सोना को पसंद है नारियल पानी ना, इसलिए तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ कभी कभी ना। वो ऐसे गुस्सा करेगी मेरे को कितनी बार ना, आपने नहीं लिया तो मैंने कहा नहीं बेटा रोज़ रोज़ तो नहीं पर हाँ कभी कभार तो मैं ले ही लेती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर जो सामान रखा है ना उधर टेबल पे मैं उसको ठीक से रख रही थी, ऐसे ही होता है सभी ऊपर रहते हैं बैठे हुए टीवी वगैरह देखते रहते हैं तो सारा सामान ना इधर से उधर कर ही देते हैं। और उस वाले कॉर्नर में ना मैंने पहले खिलौने लगा रखे थे लेकिन जब से चिड़ियाएँ आई हैं ना यहाँ पर तो उन सब पे ना बहुत जल्दी धूल जम जाती है, तो फिर मैंने सारे खिलौने हटा दिए वहाँ से। अब तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी ना हटा दूँ यहाँ से क्योंकि ये बेकार सा हो रखा है, तो अभी देखूँगी इसमें या तो इसको ऊपर छत पर रख दूँगी क्योंकि इसके अंदर ना पाइप लगे हुए हैं तो वो पाइप कभी कभार ना से किसी पेड़ को हम सहारा दें उसके काम आ सकते हैं, तो अभी देखती हूँ। नहीं तो अगर चिड़ियाएँ ऊपर चली जाएंगी तो फिर तो मैं इसको यहीं पे रहने दूँगी, फिर तो ये है कि हाँ इसको अच्छे से साफ़ करके और कपड़ा लगा करके इसमें फिर मैं इसमें खिलौने दोबारा से लगा दूँगी क्योंकि अच्छा लगता है कॉर्नर ना इसे भरा भरा सा ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मेरी हाउस हेल्पर यहाँ पर झाड़ू लगा रही है तो अंदर वाले रूम से झाड़ू लगाते हैं बाहर को लेकर के आ गई हैं, तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसीलिए कि पहले ये वाला कमरा कर देती हूँ क्योंकि ये वाला कमरा ज़्यादा गंदा रहता है क्योंकि पक्षी यहाँ पे रहते हैं ना, इसलिए तो यहाँ पे हर चीज़ पे कुछ ना कुछ होता ही है, तो झाड़ूंगी तो ज़्यादा दिक्कत यहीं पर आनी है सफाई की। बाकी तो अंदर ये है कि हाँ मैं डस्टिंग करूँगी तो जो भी थोड़ा बहुत होगा वो पोचे में साफ़ हो जाएगा, इसलिए तो मैं पहले इसी रूम को कर रही थी। और ये देखें मैं इसको झाड़ रही थी धड़म से गिर गया, और जैसे ये गिरा ना तो वहाँ पे तोता बैठा हुआ था अपने पिंजरे में वो डर के सीधा लकड़ी वाले घर के अंदर घुस गया, और मुझे इतनी हंसी आई कि देखो जरा कितनी बुरी तरह डरा ये। वैसे भी वो ना बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जब से ना बिल्ली आई है ना, एक बार क्या हुआ नीचे ना ये सबसे नीचे रखे थे हमारे नीचे वाले फ्लोर पर, तो वहाँ पर क्या हुआ दरवाज़ा खुला रह गया और बिल्ली आ गई, और फिर बिल्ली ना के ने परेशान किया होगा ना क्योंकि बिल्ली ना खा भी गई थी हमारे दो तीन बजी ना खा गई थी, और पता नहीं उसने कैसे पिंजरा खोल लिया होगा भगवान जाने तो, और हमारे दो बजी तो उड़ गए थे और दो को शायद वो खा गई थी कुछ चिड़ियाँ खा गई थी इस चक्कर में, तो इसलिए तो उससे बहुत डरता है क्योंकि इनका तो अच्छे से लॉक लगा रहता है इनका तो ना, और इनके लिए तो वो भी है लकड़ी वाला घर भी है, तो दोनों के दोनों तोता भी और जो फीमेल है वो भी दोनों अंदर घुस जाते हैं, इसलिए
तो ये तो बच गए थे, लेकिन इनको इतना डर हो गया ना, अगर आप इनके जो लकड़ी वाला जो घर है ना उस पर ऐसे टैप टैप करोगे ना तो इतनी आवाज़ निकालते हैं, ऐसे डर के मारे निकालते हैं, बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। मैं आपको ना कभी सुनवाऊंगी, लेकिन वही है ना, मुझे अच्छा लगता है उसको छेड़ना भी ना। एक जैसे ही मैं इसके पास जाती ना वैसे ही घुस जाता है, क्योंकि मैं एक बार उसको ऐसी ना पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो तब से डर गया, और ये जैसे इसको लगा कि हाँ मैं इसके पास आ रही हूँ तो ये मतलब तुरंत अपने घर के अंदर घुस जाता है इस तरीके से। तो बस अभी ये यहाँ पर झाड़ू लगाएंगी और ये लगाएंगी फिर पोछा, तब तक मैं अपना अंदर वाला जो रूम है उसको साफ करूँगी। तो चलिए अंदर वाले रूम में चलते हैं। अभी मैं आ गई हूँ अंदर वाले कमरे में। तो ये है हमारा बेडरूम, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ की चादर है उसको भी मैं चेंज कर दूँगी, और जो कुशन कवर है वो भी चेंज कर दूँगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए जो एक कपड़ा सा होता है ना अजीब सा लगा होता है, मतलब आजकल ये कपड़ा लगा होता है जैसे जो हम पर्दा सिलवाते हैं उसके ऊपर भी यही लगा होता है, और ये कपड़ा से भुरभुर करके निकल जाता है, भुरभुर मतलब ऐसे चुरा चुरा होकर निकलता है ना, बहुत ही मुझे तब बहुत ही बेकार लगता है, और ये सारा फट गया इस तरीके से। तो अब मैं आपसे यही बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर भी इसको ना ठीक करना पड़ेगा, कपड़ा लाना पड़ेगा और इसकी जो गद्दियाँ हैं उनको ना दोबारा से स्टिच करके उसको उसमें डालना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ मैं बस कमरा ठीक कर चुकी हूँ, यहाँ की चादर भी मैंने चेंज कर दी है, और अभी हम जाएंगे नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए टाइम कितना हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना कमरा कैसे सेट हुआ है, और टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:45। तो वो बस पन्नी छा गई, खुली रहा हूँ मेरे से पता नहीं क्यों, इधर तो हो गया, चादर चेंज कर दी इसकी, लेके जाऊंगी धोने के लिए, बाकी सारा सामान लगा दिया है। अब ना मुझे इस तरीके से पर्दे गिरे हुए अच्छे लगते हैं, बंद कर दूँ इस तरीके से, मैं से पर्दे गिरे हुए हैं, ये देखो ये हो गया। डस्टिंग कपड़ा उठाऊंगी अभी यहाँ से, ये देखो बच्चों ने क्या कर रखा है पूरे घर में ना, मेरे नेल पेंट ये देख रहे हो। अभी थिनर से हटाना पड़ेगा सारा, और यहाँ का भी कमरा सेट ही हो रखा है, कर दी है मैंने सफाई अच्छे से, ये देखो ये कमरा भी मैंने सेट कर दिया पूरा सारा, सोफा सब झाड़ा आज मैंने सब कुछ। अब चलते इसकी भी लाइट बंद करते हैं, और ये वाला कमरा तो हो ही गया है, और ये सारे कपड़े धोने के लिए जाएंगे, वो दोनों तकिए कवर चेंज करूंगी, उस तकिए को ना इस तरह को सी लूंगी, बच्चों ने सारा लिहाफ फाड़ दिया। चलो अभी चलते हैं नीचे, इस तरीके से पर्दे डले हुए अच्छे लगते हैं मेरे को, अच्छा लग रहा है। चलो बस झाड़ू पोछा ही रह रहा है, खाना वाना तो वो तो गए ड्यूटी, चले गए ड्यूटी। तो फ्रेंड्स यहाँ वाले फ्लोर का भी सारा काम हो चुका है, और बच्चे भी मेरे स्कूल से आ गए हैं, ये देखिए सोना बांध रही है साड़ी, उसको आज साड़ी बांधने का चस्का लगा हुआ है कि मुझे साड़ी पहननी है। तो मैंने कैमरा उसकी तरफ किया कि हाँ मैं साड़ी पहन रही हूँ, मैंने कहा अच्छा तो साड़ी पहन रही है, कि हाँ मैं साड़ी पहन रही हूँ, मैंने कहा चल ठीक है। और ये देखिए मैंने बनाया है पुलाव, तो दोपहर के खाने मैंने पुलाव बनाया है, क्योंकि भिंडी फिर थोड़ी सी ही बची थी और हम तीनों का फिर हो नहीं पाता, तो मैंने कहा चलो पुलाव बना लेते हैं और बच्चे खा भी लेंगे। तो यहाँ मैंने ये मेरा और सोना का रखा है, मैं उसको आवाज़ें लगा रही हूँ कि आजा खा ले। तो बस अभी मैं उसको बुलाती हूँ और फिर हम दोनों भी खाना खाते हैं। ये है राजकुमारी, ये देखो क्या कर रखा है मेरे को, राजकुमारी बस है ना, बस हो गई मस्ती बहुत, चलो राजकुमारी।
तो फ्रेंड्स बस खाना खाने के बाद फिर हम दोनों गए थे, सो मैं भी और सोना भी। तो अभी सोना तो सोई हुई है और मेरा दिल करा कि ना मैं खीरा खाऊं, और मैं इतने आराम से अच्छे से लेके बैठी थी खीरा कि चलो भाई काला नमक लगा के खीरा खाते हैं। और जैसे मैंने खाना स्टार्ट किया ना, खीरा पूरा कड़वा, तो फिर बस मुझे वो खरगोशों को डालना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कल तक के लिए राम राम।